नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी के अंदर नगर निगम के पर्यावरण कर्मचारी और नगर निगम के सभी वाहन चालक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इसी वजह से हल्द्वानी के अंदर गंदगी का अंबार हो गया है। नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पूरे शहर में गंदगी का अंबार भर चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। वहीं नगर आयुक्त पूरे शहर में घूमते हुए जगह जगह से कूड़ा उठाने की कोशिश कर रही हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर के अंदर काफी गंदगी हो गई है। नगर निगम के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करके जहाँ कूड़ा इकट्ठा किया जाता है वहाँ से कूड़ा डंपिंग जोन तक पहुँचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की बीमारी शहर में ना फैले और जल्द ही उनकी वार्ता कर्मचारियों से हो। पर्यावरण मित्र नगर निगम हल्द्वानी कारगोदाम की पर्यावरण मित्र तारीख से हड़ताल पर है। उनके साथ वाहन चालक भी हैं, मतलब जितने प्रकार के हमारे कर्मचारी कूड़ा के प्रबंधन में लगे हुए हैं सभी हड़ताल पर हैं। इस कारण से स्वास्थ्य जो हमारी सफाई की व्यवस्था है वो लड़काई हुई है, लेकिन मैं शुरू दिनों से लेकर के अभी तक लगातार जो हमारे सेकेंडरी स्टेशन से जहाँ कूड़ा डंप होता है शहर का, वहाँ से कूड़ा हटाने का लगातार उनको साफ रखने का काम कर रहा हूँ। अब बड़े पैमाने पर कूड़ा सेकेंडरी स्टेशन हमारा पहुँच रहा है, अर्थात जो हमारे क्षेत्र के संग्राम नागरिक हैं वो अपना कूड़ा आवश्यक होने पर सेकेंडरी स्टेशन तक पहुँचा रहे हैं, जिसको मैं लगातार साफ कर रहा हूँ। इससे क्या है कि एक जगह पर कूड़े का ढेर नहीं लग पा रहा है, जिससे कोई महामारी की संभावना उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन फिर भी शहर में गलियों मोहल्लों की जो सफाई नहीं हो पा रही है, जो कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, उससे निश्चित रूप से समस्याएँ हैं। लेकिन समस्याएं विकराल रूप न लेने पाए, ये जगह कूड़े का ढेर न लगने पाए, इसका मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो ये थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।